भविष्य मालिका को लेकर आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं, बट क्या आपको मालूम है कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। भविष्य पुराण हमारे प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसे संत अच्युतानंद ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में लिखा था। लेकिन आखिर ये पुराण इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है कि भारत का हर दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली में भविष्य मालिका भविष्य यानी कि फ्यूचर के बारे में बात करता है। यूँ तो बहुत सारे ग्रंथ हैं दुनिया में जो ऐसे प्रिडिक्शंस करते हैं, पर भविष्य मालिका उन सबसे ज़्यादा सटीक है, जिसमें लिखी गई बहुत बातें सच भी हो रही हैं। एंड आपको पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? भविष्य मालिका में लिखे गए बहुत सारे आपदा 2024 से 2027 के ही बीच आने वाले हैं। तो क्या भविष्यवाणी लिखी हुई है इस पुराण में? कब और क्यों डूब जाएगा जगन्नाथ मंदिर? कौन सी भविष्यवाणी सच हो चुकी है? आगे क्या हो सकता है? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो भविष्य मालिका में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलेट करती है वो है कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं। भविष्य मालिका के हिसाब से कलयुग के अंत समय में लोग भगवान को भूल जाएंगे और बहुत कम ही लोग ऐसे बचेंगे जो धर्म को मानते हो। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी भूल जाएंगे और भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाने लगेंगे। अब ये कितना सच हो चुका है ये आप और मैं दोनों जानते हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक महाविनाश के समय बारिश की कमी से किसान खेती करना बंद कर देंगे और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर घर पे हमला करने लगेंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा में तूफान आएगा जिससे वहाँ के बरगद का पेड़ टूट जाएगा और इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नई नई बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं होगा, जिससे लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बात कही गई है। इसके हिसाब से तीसरे विश्व युद्ध की बेसिस 2022 में शुरू हो जाएगा और 2025 में यह बहुत बड़े वॉर में बदल जाएगा। ये वॉर बहुत स्ट्रांग देशों के बीच होगा जो कि 6 साल 6 महीने तक चलेगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिरी के 13 महीने बाद शामिल होगा। इससे वर्ल्ड दो भागों में बढ़ जाएगा और परमाणु बॉम्ब्स यूज करने की वजह से बहुत ही कम लोग बचेंगे। भविष्य मालिका कहता है कि आसमान में दो सूरज दिखाई देंगे, जिसमें से एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती हुई चीज होगी। ये चमकती हुई चीज कोई छोटा उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉइड हो सकता है। ये एस्ट्रॉइड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। इस सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22nd सीटी तक पानी आ जाएगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस वॉर का मेन कारण होगा भारत को लूटने की साजिश। उस वक्त भारत में मिलिट्री शासन होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धर्म के आधार पर भारत के अगेंस्ट कर देगा। भारत कुल 13 महीने ये वर्ल्ड वॉर लड़ेगा। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। लास्ट में भारत इस युद्ध को जीत लेगा और अखंड भारत एक हकीकत बन जाएगा। इस बुक में ये भी लिखा है कि भारत इस हमले से कैसे बचेगा और कैसे जीतेगा, ये एक सीक्रेट है जिसे कोई नहीं जानता। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वो भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की भी मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग बात। इस पुराण के हिसाब से भारत का आखिरी प्राइम मिनिस्टर एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। Isn't that interesting? बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे इस कलयुग का विनाश करने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली कल्कि अवतार भगवान लेंगे भारत के दुश्मनों का विनाश करने के लिए? भविष्य मालिका के हिसाब से दुश्मनों पर कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे और इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी और वो एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। अब ये कल्कि कौन होंगे ये कोई नहीं जानता। वो मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, या आपके जानने वालों में से ही कोई हो सकता है।
ये भी मुमकिन है कि युद्ध के समय कल्कि आकर हम सबको बचा लेंगे, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार एक्चुअली कल्कि अवतार का ऑलरेडी जन्म हो चुका है और वो अभी भी किसी सीक्रेट जगह पर है। सो आपको क्या लगता है, 500 साल पहले संत अच्युतानंद को इतनी सारी होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में कैसे पता था? किसी को 500 साल पहले कैसे पता था कि पाकिस्तान जैसी एक कंट्री बनेगी? क्या इसका कनेक्शन पैरेलल वर्ल्ड से है या ये उससे भी बड़ी कोई शक्ति है जो हम आम इंसानों की समझ से परे है? खैर, इसको मानना या ना मानना पूरी तरह से आपके एक्सेप्टेंस पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।